हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नवीन एंड यू आर वाचिंग नाविस गेम्स। क्या आप लोग भी गेम विन कर करके थक चुके हो? भाई, गेम विन कर करके कौन थकता है? अरे वही जिसको विनिंग काउंट नहीं होता है। तो अगर आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप लोग एकदम राइट वीडियो ओपन किए हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 100% वर्किंग सॉल्यूशन बताऊंगा जिसके हेल्प से आप लोग का विनिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना एंड जल्दबाजी मत करना। वीडियो 5 मिनट के आसपास का होगा, पूरा वीडियो देखना। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया तो इस वीडियो के बाद आप लोग को कोई और वीडियो को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एंड जिसका विनिंग स्टॉप हुआ है ये वीडियो उसके लिए तो हेल्पफुल है ही, बट जिसका विनिंग स्टॉप नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से आप लोगों का विनिंग स्टॉप हो सकता है या विनिंग स्टॉप हुआ रहेगा, एंड ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप लोगों को गेम में नहीं करनी है, सो दैट आप लोगों का आईडी इन फ्यूचर में सेफ हो। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे वीकली विनर्स की। तो इस वीक के विनर है जोरवाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, आप हमारे वीकली विनर है। तो ऐसे ही चैनल पे वीकली विनर्स होते हैं, तो यहाँ से कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐसा कौन कौन सा रीजन है जिसके वजह से आप लोग का विनिंग स्टॉप हो सकता है या स्टॉप हुआ होगा। तो एट फर्स्ट आप ये चीज समझो कि अगर आप गेम में किसी भी इलीगल चीज से एडवांटेज ले रहे हो, एंड वो इलीगल चीज का मतलब सिर्फ हैक्स नहीं है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करना या मोड एपीकेस को यूज करना या वेनिस बाय करना। हाँ, आप लोग जो ट्रिक लगा के वेनिस बाय करते हो उससे भी आप लोग का विनिंग स्टॉप हो सकता है। एंड मेरा विनिंग जो स्टॉप हुआ था वो इसी कारण के वजह से हुआ था। मैंने अपने आईडी में ऑलमोस्ट 4 या 5 बार विनिस ले लिया था, उसके बाद मेरा आईडी का विनिंग अचानक से स्टॉप हो गया था। इसलिए अगर आप विनिस ट्रिक यूज भी कर रहे हैं तो उसको ज्यादा यूज ना करें। अगर आप 2-3 बार लेते तो वो एक सेफ रहता है, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा लेंगे तो आपका विनिंग स्टॉप होने का चांसेस है। एंड विनिंग स्टॉप का एक और रीजन हो सकता है कॉइन्स ट्रांसफर करना। अब ये सुनके डर मत जान, अरे भाई मैंने भी तो कॉइन्स बाय किए हैं, अब मेरा विनिंग भी स्टॉप हो जाएगा। तो शांत हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने मोबाइल से कॉइन्स ट्रांसफर किए होंगे तब ऐसा हो सकता है, लाइक जकार्ता टू जकार्ता अगर आप कॉइन्स ट्रांसफर कर रहे हो या मोबाइल के ओल्ड वर्जन से आप कॉइन्स ट्रांसफर करो, तब ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने इसके ऊपर एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है कि क्या आप मोबाइल से कॉइन्स ट्रांसफर कर सकते हो, क्या वो सेफ है कि नहीं। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नाउ अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसके हेल्प से आप लोग का विनिंग वापस से स्टार्ट हो जाए। तो देखो, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, 3-4 वीक का गैप, यानी 3-4 वीक अपना अकाउंट बंद कर दो। एंड रुको, सिर्फ यही नहीं, अगर आपने 3-4 वीक में कुछ भी आईडी के साथ इलीगल किया, लाइक वेनिस परचेस किया या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज किया, तो आप लोग का अकाउंट परमानेंट बैंड भी हो सकता है। एंड अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई 3-4 वीक तक हम लोग प्ले भी नहीं कर सकते क्या आईडी? तो देखो, जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था तो मैंने भी अपना आईडी बंद कर दिया था 1 मंथ के लिए। पर देखो, बीच बीच में मेरे से गलती से आईडी ओपन हो जाता था एंड मैं मैच भी प्ले कर लेता था चेक करने के लिए कि मेरा विनिंग वापस से स्टार्ट हुआ है कि नहीं। एंड मेरे को भी ऐसा लगता था कि अरे यार जा, अब मैंने बीच में आईडी ओपन कर दी, अब मेरे को फिर 1 महीना वापस से वेट करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, अगर आप आईडी ओपन करके प्ले भी कर लेते हो तब भी 3-4 वीक के बाद आपका विनिंग जो है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वो 3-4 वीक के अंदर अंदर आप सिर्फ आईडी में प्ले करो, आईडी को एकदम सेफ रखो, कोई भी लीगल चीज मत करो, एंड बस। और क्या, 3-4 वीक बाद एंजॉय करो। एंड देखो, 8 ball pool के जो मोबाइल वर्जन है उसके साथ कभी भी कोई टिकड़मबाजी मत करना। अगर करोगे तो भाई मिनी क्लिप का सर्वर को मालूम चल जाता है, वो लोग चूतिया नहीं है, वो लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, उन लोगों को पता चल जाएगा एंड आप लोग का आईडी का एल लग सकते हैं। एंड इसलिए हम लोग कॉइन्स ट्रांसफर भी पीसी से करते हैं, बिकॉज वो सेफ होता है। एंड आप लोग बोलोगे क्यों सेफ होता है, तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि 8 ball pool का जो पीसी वर्जन है वो मिनी क्लिप का नाजायज औलाद है, वो कुछ भी करे, आप उसके साथ कुछ भी करो, मिनी क्लिप वाले लोग को घंटा ना फर्क पड़ता है। एंड एट लास्ट अब हम लोग बात करेंगे कैसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप लोग को गेम में नहीं करनी है। तो गलती नंबर 1, एज यूजुअल आप लोग को हैक्स नहीं यूज करने, टूल नहीं यूज करना है, ठीक है। नंबर 2, आप लोग को कोई मोड एपीके या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं यूज करना है। नंबर 3, आप लोगों को मोबाइल से कॉइन्स ट्रांसफर नहीं करना है। जकार्ता टू जकार्ता आप लोग मैक्सिमम 1 million तक ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज्यादा आप लोग को मोबाइल से ट्रांसफर नहीं करना है। एंड 4, अगर आप लोग वेनिस परचेस कर रहे हो तो हमेशा एक गैपिंग में परचेस करो। अगर आप लोग इस वीक परचेस कर रहे हो तो
हमेशा तीन से चार वीक बाद ही आप लोग परचेस करो, बिकॉज अगर आप लोग कंटिन्यूसली उसको परचेस करोगे तो आप लोग का आईडी रिसेट हो सकता है या तो उसका विनिंग स्टॉप हो सकता है। तो यही सब कुछ चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखनी है जिसके वजह से आप लोग का विनिंग स्टॉप ना हो, बिकॉज अगर आप लोग का विनिंग स्टॉप हो गया तो एक महीना के लिए आप लोग का आईडी हाइबरनेशन में चल जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा। ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ, एंड मैं यही आशा करता हूँ कि जिन भी भाई लोग का विनिंग स्टॉप हो गया है वो आप लोग का विनिंग वापस से स्टार्ट हो जाए जल्दी, एंड उसके बाद आप लोग एंजॉय करो, प्ले करो। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अभी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में कि अगर उन लोगों को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो लोग भी इसको ठीक कर पाएं। एंड अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन यहाँ से प्रेस कर दीजिएगा कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक ले कीप प्लेइंग एंड बाय बाय।